बुजुर्गो, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का, इतनी दूर से चल के यहाँ तक पहुंचने में जो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई, उस सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला सरदार प्रकाश सिंह बादल आज आपके बीच में बैठे। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहूंगा, इस दुख की घड़ी में आप हमारे परिवार का दुख बांटने के लिए दूर दराज से चल करके जो आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इससे मुसीबत के दिन काटने में हमें बहुत सुविधा मिलेगी। आपसे केवल एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप सभी लोग भोजन करके जाए, और ये इसलिए जरूरी है कि हम अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं दे रहे, सने लता का खुद का पीसा हुआ आटा है, उसकी खेत में लगाई हुई सब्जी है, उसका गाय के दही को भिगो करके घी पैदा किया हुआ है, उस सब का उपयोग अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर उनकी आत्मा को तकलीफ होने स्वाभाविक है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, बहुत देर हो गई, दूर दराज में आपको जाना भी वापस है, इसलिए सभी साथी जो भी रूखा सूखा यहाँ बने हैं कृपया उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हर व्यक्ति भोजन करके जाएगा, अगर कोई बिना भोजन के जाएगा तो इससे हमारे परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और सभी की आत्मा को भी दुख पहुँचेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे संसद जो व्यवस्था कर रखी है, कृपया लोग आपके साथ जाएं, आप सबको भोजन के स्थान पर ले जाएं, सभी साथी भोजन करके जाएंगे, इससे हम सबको बहुत संतुष्टि होगी। आप सब आए, आप हमारे दुख दर्द के हमेशा साथी रहे हैं, भविष्य में साथी रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद, विश्वास और भरोसा है।